हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे आप डिजी पे लाइट का पासवर्ड कैसे चेंज करेंगे। बहुत सारे लोग पासवर्ड बार बार भूल जाते हैं, तो उनको एक ऐसा पासवर्ड रखना चाहिए, अपना मनपसंद पासवर्ड रखना चाहिए जिसे वो याद कर सके, जिससे लॉगिन करने में बहुत ही आसानी हो, सुविधा हो। तो आज की वीडियो में दिखाएंगे किस तरह से आप अपना पासवर्ड को मनपसंद पासवर्ड रख सकते हैं। अगर आप पासवर्ड बार बार भूल जाते हैं तो एक अच्छा पासवर्ड बना के रख सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड पूरी तरह से भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप अपना डिजी पे लाइट का पासवर्ड कैसे पता करेंगे उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वो वीडियो को आप देख लेंगे, आप आसानी से अपना पासवर्ड पता कर सकते हैं अपने CSC डिजी पे लाइट का। आज के वीडियो में दिखाएंगे आप पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपना पासवर्ड को बदल सकते हैं। सबसे पहले हम अपना डिजी पे लाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर MPIN डाल देते हैं। अगर आप MPIN भूल जाते हैं तो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे कि इस तरह से आप अपना MPIN पता कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा डिजी पे लाइट का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। पासवर्ड बदलने के लिए सबसे ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पर पुराना पासवर्ड को टाइप करेंगे। उसके बाद नया पासवर्ड बनाएंगे और वो पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करेंगे। उसके बाद सेंड OTP करेंगे तो पासवर्ड मेरा चेंज हो जाएगा। पासवर्ड आप अपने मन से रख सकते हैं, लेकिन उसमें एक कैपिटल और कुछ स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और सिंबल करेक्टर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। सभी मिला के कम से कम 8 अक्षर का पासवर्ड आप बना सकते हैं, यानी कि 8 डिजिट का पासवर्ड आप बना सकते हैं। पासवर्ड बनाने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। OTP डिजी पे लाइट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे चला जाएगा। उसके बाद वो OTP को यहाँ पर डाल देंगे और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली का मैसेज हमको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डिजी पे लाइट को हम लॉग आउट करेंगे और देखेंगे नया पासवर्ड से लॉगिन होता है या नहीं। उसके लिए 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, लॉग आउट ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके यस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूजर नेम डाल के जो नया पासवर्ड अभी बनाए हैं उसे डाल के यहाँ पर लॉगिन करेंगे। MPIN डाल के वेरीफाई MPIN पे क्लिक करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं कि जो नया पासवर्ड बनाए उससे मेरा डिजी पे लाइट लॉगिन हो गया है। तो आप भी इसी तरह से अपने पासवर्ड को बदल सकते हैं, नया बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे अगर आप अपना डिजी पे लाइट का MPIN भूल जाते हैं तो उसे किस तरह से पता किया जाता है, तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको नया अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।